Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to another video. I know you guys love my challenge videos and मैंने बहुत time से कोई नहीं करी थी because I do not have a partner clearly. But finally I have a new guest to welcome on the channel. Instagram पे I have done a collaborative reel with her. I have shared her on my stories a lot of times. अगर आप लोग Instagram से और आपने guess कर लिया who that person is, तो नीचे comment करके जरूर बताना. And अगर आपने guess नहीं किया है तो मेरी YouTube फैम के लिए लेट्स वेलकम साक्षी गोयल। हाय सो फैम, कैसे हो सब लोग? तो शी इज साक्षी फ्रॉम ग्लो अप विद साक्षी। इसका अपना YouTube चैनल भी है, Instagram भी है, वो सब तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। वी एक्चुअली मेट ऑनलाइन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी पर्सन से ऐसे ऑनलाइन मिली हूँ एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत जल्दी, इट डिड टेक टाइम, बट मैं इसके घर पे बैठी हूँ या 2-3 साल, मतलब ऑनलाइन ही चला, फोन कॉन्वर्सेशंस, देन कैफे फ्रेंडशिप एंड नाउ आई एम सिटिंग एट हर होम, सो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ दैट वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ. सो फाइनली आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री एंड इट फील्स अमेजिंग. So true, right? Yeah. And that to a girlfriend, right? A plus point again. तो हम लोग 2 चैलेंज वीडियो शूट करने वाले हैं. एक मेरे चैनल पे जाएगी, एक इसके चैनल पे जाएगी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी. एंड फॉर दिस वीडियो वी विल बी डूइंग अ गेस द चॉकलेट चैलेंज. 1 पर्सन विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, दूसरा बंदा टेस्ट कराएगा. They'll have to guess mainly the brand and थोड़ा बहुत फ्लेवर का आइडिया, बिकॉज फ्लेवर के नाम हर ब्रांड में दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड अजीब अजीब से. सो उसके अपॉइंट मिल जाएगा, 5 उसके पास है, 5 मेरे पास है. Whoever wins the more number of points will be the winner. और हम बहुत लो बजट वीडियो बना रहे हैं तो विनर को कोई प्राइज नहीं मिलने वाला है. मैं पूछने ही वाली थी. मैं बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव हूँ, ये इतनी कम्पेटिटिव मुझे नहीं लग रही है. आपने क्या प्रिपेयर किया इस वीडियो के लिए? कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी वाज सपोज्ड टू कम एट माय प्लेस अराउंड 11 और मैं आई थिंक ब्लिंकिट मैंने 12 बजे के बाद किया है. मेरे आने के बाद मेरे सामने बैठ के इसने ब्लिंकिट किया है. बाय द वे मैं चैलेंज भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सो प्लीज पेयर एंड बेयर. नहीं, आई एम श्योर इट विल बी अमेजिंग. सो आई हैव माय पैकेट हियर, मैंने डबल प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ है. आप लोग कमेंट्स में बताओ आप किसकी टीम में हो, टीम सोनी और टीम साक्षी. बाय द वे आई एम अ स्वीट टू, तो देयर इज अ फेयर चांस कि मैं गेस कर लूं अगेन. I'm a chocolate person, by the way. So, anyways, without any further blabbering, let's just dive right into the video. Guys, आपको कहीं भी ऐसा फील हो ना कि चीटिंग हो रही हो तो कमेंट में बता देना. कहीं पता चला कॉम्पिटेटिव बोल बोल के मेरे साथ ही चीट कर रही है. This is the first chocolate. Let's see if she is able to guess. कि जब मैंने ये चॉकलेट पहली बार खाई थी, I confused it with some other chocolate. My God. तो हमारी स्ट्रैटेजी मेरे और भाई की यही थी कि हम ऐसी चॉकलेट्स लेंगे जिससे कि दूसरी चॉकलेट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो सके. बट हो सकता है विद द टेक्सचर यू फील इट. मैं तो टेस्ट ही भूल गई, मैंने कब से चॉकलेट सी. मुझे पता था कि ये बहुत मतलब मजेदार मुझे लगा ही था. मैं तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कुछ तो है यार. खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, नहीं कुछ नया टेस्ट है डेफिनेटली. नट्स वट्स तो कुछ है नहीं यार, ऐसा प्लेन है, बिल्कुल बेसिक मिल्क चॉकलेट. तो मैं लग भी रहा होगा बहुत स्टूपिड सा ये है, बट टेस्ट करोगे आंख बंद करके तो पता चलेगा कैसा है. आई नो कि ब्लाइंड फोल्ड के बाद सेंसेस और दिमाग काम करना बंद कर जाता है. मुझे 2 चॉकलेट में कंफ्यूजन हो रही है. गैलेक्सी, नेस्ले, जो रेड वाली होती है. लेट्स गो विद नेस्ले, जो रेड वाली आती है ना. बट आई थिंक इट्स द रेड नेस्ले. ओके फाइन, गलत है. देख रहे हो गैलेक्सी थी ना. मैंने कहा ना 2 में कंफ्यूजन है. जब तुमने बोला ना गैलेक्सी, मेरा ऐसा मूड डर गया था कि शिट यार पहले ही गेस कर लिया. बट सही गेस किया था, मेरा फर्स्ट गेस सही था. नहीं देखो मैंने तुमने बोला कि एक दोनों में से चूज करना है. ऑब्वियसली ना, दैट इज आई थिंक. देखो मैंने 2 ऑप्शन दिए, तो स्ट्रेटजी तो यही थी ना कि तुम इसको नेस्ले से कंफ्यूज करोगी. सो दिस इज द चॉकलेट, वी आर गोइंग इन विद दिस वन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये गेस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. बट सिंस शी मेंशन्ड कि चॉकलेट कम खाती है एंड बहुत टाइम से खाया भी नहीं है, सो देयर इज अ फेयर चांस कि इसको कंफ्यूज कर ले कुछ और चॉकलेट के साथ. इस तरह के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, उसका ब्रांड बताना मुश्किल हो जाएगा. छोटा सा देती हूँ मैं, और चाहिए तो बताना। अबे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मेरे भाई की फेवरेट चॉकलेट है ये और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्यूज मैंने ऐसे किया था ना स्टार्टिंग में, मैं तभी मुझे क्या पता वो ही पर्टिकुलर आई हेट फ्यूज। मेरे भाई को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके जैसे पीनट है, हमने अरे यार ये तो इतना ज्यादा इजी है। तो स्निकर से कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें? मैंने टेस्ट ही नहीं किया बहुत टाइम से। खाओ। फ्यूज इज फ्यूज, और जिसको नहीं पसंद होती उसको तो पता है ना कि मुझे तो ये नहीं पसंद है, तो ये तो फ्यूज ही है। मतलब देख रहे हो टीम सोनी वाले जीत रहे हैं। तुम्हारा चैनल है, तुम्हें जिताते हैं। दिस इज द सेकंड चॉकलेट। गाइस ये चीटिंग कर रही है तो वो भी बताना मुझे प्लीज। मैं चीटिंग नहीं करती भाई, इसमें तो पता चला ऐसा चॉकलेट आ गया है, नाम ही नहीं सुना हमने कभी। नहीं नहीं ये बाइट लेना पड़ेगा तो टूटने नहीं। व्हाट इज दिस चॉकलेट? टेस्टी नहीं है। अरे एक और बाइट। मैं याद ही नहीं कर पा रही। हमारी सुबह का वो जो 24/7 का विजिट था ना, सक्सेसफुल होता दिख रहा है मुझे। हां तुम्हारा भाई कितना खुश हो रहा है। मैंने वो ऐसे यार मैंने अकेले बनाई है स्ट्रेटजी, दो लोग बना रहे हैं। देखो मेरे साथ तो पहली चीटिंग हो गई है। एक्सक्यूज मी, डजंट मेक सेंस। वो नहीं होता बहाने मारने लग जाते लोगों को जब पता चल जाता है कि हम हार रहे हैं। क्रंची फ्लेवर क्यों आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एग्जैक्टली दैट इज योर बिगेस्ट हिंट। एक ही मतलब हो सकता है तुम ब्रांड गलत गेस कर लो, पर वो तो ऑब्वियस नहीं है कि ये वाला फ्लेवर और ये वाला टेक्सचर कौन से चॉकलेट में होता है। बिस्किट होगा गॉटला, तुमने बिस्किट तो नहीं ला दिया मुझे चॉकलेट। मतलब शी इज गिविंग ऑल द हिंट्स हरसेल्फ और फिर भी नहीं गेस कर रही। नो ब्रो नो यार, पैकेट में कितने आते हैं कुछ तो बता। नो थैंक्स नो थैंक्स, ज्यादा आई एम कम्पिटिटिव फॉर अ रीजन। नो थैंक्स, मैंने इतना भी तुमको बहुत हिंट्स दे दिए। वन इटर्निटी लेटर। मिल्की बार का कोई वेरिएंट है? रैंडम गेस है, आई एम नॉट श्योर। देख के मुझे ऐसे चॉकलेट बनते हैं और किसके बनते हैं? ओरियो का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है। कुकीज एंड क्रैम, हर्शीज। ओरियो का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है यार। तुमने बिस्किट बोला, बिस्किट यार ओरियो, तो इससे तुम ये रैंडम गेस तो मारती। ओरियो के अलावा कौन सा बिस्किट डलता चॉकलेट में खुद बताओ मुझे। और जैसी ओरियो आता दिमाग में वैसी कुकी एंड क्रैम। कुकी एंड क्रैम बोलने से हो जाता है तो जीत जाती मैं पॉइंट इसमें। क्या पता मैं आधा पॉइंट देती। चलो जाओ, कॉम्पिटिटिव है ये। और ये मुझे पॉइंट देती आधा बोल रही। यू नेवर नो। ये वाली चॉकलेट गेस करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने खाई है खाई होगी। कांट से खा मतलब इट्स अ फेमस वन, तो देयर इज अ फेयर चांस कि खाई होगी, हो सकता है बट वही अगेन कुछ कहना। मतलब मेरा ऐसा है कि मैंने चॉकलेट्स ऑलमोस्ट सारी खाई हुई हैं। हाँ, मेरे साथ एक बार खाई हुई है। हो सकता है मैं वेरिएंट गेस ना कर पाऊं। लेट मी बी श्योर। कर लो कर, क्योंकि तुमने जिस तरीके से दिया ना शेप से मेरे को आइडिया लग गया। श्योरिटी से दे रही हूँ मुझे। feels like, मैं गैस नहीं दे रही हूँ but feels like टोब्लर। और इसे ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सी चॉकलेट होती है? I'll go with टोब्लर। टोब्लर सी मेरे भाई की फेवरेट चॉकलेट है। सबसे और शेप सबसे बड़ा हिंट हो गया। यही छोटा भी आता है। मुझे यही था, मुझे यही कंफ्यूजन था कि हो सकता है किसी चीज के साथ कंफ्यूज कर सकती है ये, क्योंकि इसने मुझे यही हिंट दिया था कि इसको चॉकलेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने बोला ना मैं सारी चॉकलेट एक अब ये तो शेप ही इस शेप के और कौन सी चॉकलेट होती है खुद से मुझे नहीं पता था। ये मिनी वेव में भाई बस वही ट्रिक था इसका। ये छोटी थी ये भाई के लिए खरीदूंगी, बहुत पैसे खर्चे हो जाते हैं एक ही बार में। वो एक ही बार में खा भी देता है पूरा। वो एक बार खुलेगा तो नहीं क्या तुम एक खाओगी तो फिर चल जाता है इसका। आई एम नॉट श्योर कि तुमने खाई होगी। अरे यार एक तो ऐसी डिफिकल्ट चल रहा है मेरे लिए। नॉर्मली बहुत कम मिलती है, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा नॉर्मल स्टोर में मैंने नहीं देखी है कभी। हाँ तो शेप भी अलग है, बट अगर मतलब इतना है कि अगर ये नहीं खाई है पहले कभी तो यू विल नॉट बी एबल टू गेस। आइस खोल सकते हो। मतलब हाँ ये है कि इस ब्रांड के जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हो सकता है ब्रांड ये गेस कर ले, बट चॉकलेट अगर नहीं खाई है तो फिर नहीं गेस कर पाओगे। चलो many hours later मन चला सा लग रहा है यार। कम ऑन मैन, शेप ये मंच की शेप ऐसे होती है तो ये मैं हिंट क्यों दे रही हूँ? लेकिन किंडर का है क्या? नो हिमोर वो लॉन्ग वाला होता है मंच मंच मतलब मंच का जो ब्रांड है नेस्ले होगा कुछ ओप्टिक्स होगा कौन सा ब्रांड है हर्शीज के सारे टंगे और हर्शीज मैं खाती ही नहीं हूं चॉकलेट कोई चांस ही नहीं था इस चॉकलेट नहीं मैं दो ही हर्शीज लेके आई थी दोनों नहीं इसका कोई चांस नहीं था ना मुझे लग ही रहा था ये तो नहीं गेस कर पाई हर्शीज में करनी तो बाकी सारे ऐसे हैं कि तुमने खाए होंगे ये वाला मुझे पता था नहीं खाया होगा तो आई वांटेड टू कीप वन कि यार इसको तो मैं जीतूंगी जीतूंगी गाइस नेक्स्ट ये है इजी है बट डिफिकल्ट भी है क्योंकि ये देखो ये हंसी मुझे डेंजरस क्यों लग रही है इविल लाफ्टर क्या है तुमने रखा था कोई ऐसी चीज जो मैं गैस नहीं कर सकती मैं कुछ ऐसी चीज रखी तुम्हारे एक्सप्रेशन यू वांट टिश्यू खा तो नहीं सकते इसको मैं टेस्ट करके फिर स्प्रेड कर देना चॉकलेट है और बहुत तगड़ी तरीके से बिकती है मार्केट में बता रहे मैंने हिंट दे दिया गाइस बिकॉज़ डिफिकल्ट है लेकिन नहीं है खाते ही लोग इस एक्सप्रेशन के लिए इसमें भी प्लेजर है गाइस नहीं सबके लिए नहीं मैंने कब बोला सबके लिए देखो ये तो डार्क चॉकलेट है कोई सी 100% कोको मैं 75 तक गई हूँ मैंने 100 का भी खाया ही नहीं गैस कर सकते हो तुम क्योंकि तुम कंपाउंड तो ये नहीं है किस किस के होते हैं 100% अमूल का है फिर एक लिंट का है मेरी हिम्मत नहीं है इसको दोबारा टेस्ट करने की मैं तुम्हें करने का नहीं दूं पता जो मैं वॉमिट कर रहा है अरे सच्ची में हो जाता वरना मैं इसको थोड़ी देर और वो करके वो तो कर ही लेती लेट अस गो विथ जीत सकते हैं क्या एक पॉइंट वैसे पॉइंट नहीं मिलेगा पर उसका माइनस हो सकता है बट कोई फायदा नहीं है अब तो वो विनर हो लेन का 100% कोको डन कर दे क्या पॉइंट यार मेरे आया दिमाग में बट इतना श्योर थी नहीं मुझे कहा अमूल तो नहीं होगा यही चल रहा था दिमाग में मेरा चिच कि डेयरी मिल्क खाओगी ना मैं 75 तक गई हुई हूँ बट यहाँ तक नहीं गई नहीं तुमने जो स्ट्रैटेजी नहीं बोली थी कि डेयरी मिल्क रख लेते हैं मैंने वही ट्राई किया था यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट है बहुत एजम्पशंस लगा सकती है नहीं डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है बट अगेन मैं 75 तक गई हूँ बट फिर मेरा दिमाग कैसे चला कि किस किस ब्रांड की है जो 90, 95, 100 बनाते हैं अमूल आया मेरे दिमाग में पर मुझे ऐसे लगा यार इतना सिंपल नहीं होगा ये इतनी श्योर है तो 2 and 0 ना माय गॉड एक पॉइंट मिल सकता है क्या जो तो भाई वरना 0 पे वीडियो एंड हो जाएगा तुम्हारा द नेक्स्ट वन बट बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक यू हैव टू बाय इट बिकॉज श्योर गैस नहीं करना ना आंसर देना बट स्निकर्स इतना वियर्डली स्वीट नहीं होता है वियर्डली स्वीट है लेट्स गो विद स्निकर्स 1 पॉइंट मतलब दिस वाज अ फ्लेवर्ड हमें ऐसा लगा कि हो सकता है जो पोल आया ना तुम्हारे दिमाग में एकदम से वो आ जाएगा 5 स्टार बट देन इसमें पीनट्स हैं क्या इस वाली में भी उसे मुझे पीनट्स की वजह से लगा बटर स्कॉच भी हाँ तो इसीलिए ही उठाया था फाइनली खाता खुल गया गाइस तालिया राउंड ऑफ अपलॉज 0 से नहीं होगा चलो लास्ट मुझे लगा 0 से होगा जीत तो गई है ठीक है पर लेट्स सी कि लास्ट वाले में क्या होता है थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि जीत तो मैं बहुत पहले गई थी हाँ 2 जैसे 2 में जीत गई थी ना हाँ। तीसरा गैस नहीं कर पाई बट स्टिल आई वांट कि मैं ये पॉइंट भी ले जाऊं मुझे चाहिए था मैं 4 लेके जाऊं मुझे पीटीएसडी गाइस अगर मैं रात में नहीं सो पाई मेरे साथ ऐसे कोई अजीब मेंटल डिसऑर्डर्स हुए तो वो चॉकलेट की वजह से हो गए शायद गैस नहीं कर पाएगी मैं खाई हुई है तो मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल एक तो दिमाग में वो मैथ्स चलने लगती है गाइस ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ना मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा बस दिस इज अ वेरी फेमिलियर फ्लेवर मैं ब्लैंक हो गई हूं और ट्राई करना है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पता है ये क्या है पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा ऐसे होता है अरे अरे मेरे दिमाग में इसमें यही हुआ वाओ व्हाट इज दिस एक और वर्ड दो बड़ा देना बढ़िया है लेकिन जो भी है चलो जैसे मैं जीत जाओगी तुमको यही गिफ्ट कर दूंगा मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है डेयरी मिल्क जैसा नहीं लग रहा नहीं बबली बबली नहीं बट चूई सी है डेयरी मिल्क तो वैसे होती है थोड़ी मेल्ट हो जाती है कॉफी टॉफी जैसा लग रहा है नहीं अब नहीं आ रहा तो नहीं आएगा चलो भाई 5 स्टार बोल देती हूँ मतलब रैंडम बोलना है इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, बट ये फ्लेवर बहुत फेमिलियर लग रहा है। 5 स्टार है गाइस, ये 5 पॉइंट जा चुका है। पॉइंट तो जा चुका है। अबे मुझे पता था यही रिएक्शन होने वाला है। मैं मिल्की बार नहीं खाती, मैंने आज तक मिल्की बार नहीं खाई है, ये मैं ले जा रही हूँ, नहीं तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। अच्छा है। आई हेट व्हाइट चॉकलेट, हेट, बट दिस इज सो गुड। पर इसका पता है मुझे ऐसा लगा ना ये खाएगी ना पिंक पिंक है, बिकॉज़ मैं बताती हूँ तो मुझे लगा कि ये ना फ्रूटेला जैसा लग रहा था। चूई स्ट्रॉबेरी फ्रूटेला खाया तुमने? टॉफी चूइंग टॉफी होती है फ्रूटेला। अब मैंने इसे जब देख के खा रही हूँ ना तब मेरे को याद आ रहा है कि फ्रूटेला जैसा लग रहा था, तो इवन इफ मैं गेस कर लेती हूँ तो वो मिल्की बार चू, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ भी होता है। And I won. जिसने नीचे कमेंट्स में मेरी टीम पिक करी थी, we all won. तुम्हारे चैनल पर तो तुम्हारी टीम पिक। Oh, excuse me, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, but then ठीक है ज्यादा पॉइंट से नहीं जीते, बट ठीक है जीत गए ना, जीत तो जीत ही होती है। ठीक है, आगे तो एक तरह से तो टाई ही हुआ है। ठीक है, एक तुमने एक्स्ट्रा गेस कर ली बस। Math is not mathing anymore. Math has left the chart, but anyways, मैं जीत गई हूँ। अपने चैनल पे तो एटलीस्ट मैंने अपनी इज्जत रख ली है। Let's see, इसके चैनल पे मैं जीती हूँ कि ये जीती है। By the way, मेरा वोट भी तुम्हारे को ही जिताने का था, because I am also a subscriber of yours. तो मैं भी यही चाहती थी तुम जीतो। See? Nice. पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, इसके चैलेंज पे भी मैं इसके चैनल पे भी मैं तो जीतने ही जा रही हूँ। गेस द बिस्किट चैलेंज हमने इसके चैनल पे किया है, नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके चेक करना एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। शी मेक्स सम अमेजिंग कंटेंट एंड द रिव्यूज आर सो जेन्युइन कि मतलब आई लव देम। थैंक यू सो मच। एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही दैट शी इज अ फ्रेंड, आई एम एक्चुअली अ सब्सक्राइबर जो कंटेंट कंज्यूम करता है एंड आई ट्रस्ट हर ओपिनियंस एंड रिव्यूज, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों नीचे लिंक करी हूँ, शो हर सम लव। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, इफ सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आवर चैनल्स एंड इंस्टाग्राम, एंड आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।